यस यहाँ पे देखो कि कुछ शेप्स आपको दिखाई देंगे। यस ये 2D फिगर्स है एक्चुअली, है ना। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, काई, ट्रेपेजियम, बराबर है। इन सारे फिगर्स में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, कोई ऑब्जर्व करके बता पाएगा? हाँ, क्या कॉमन है? हाँ, सब में चार साइड्स है, करेक्ट। देखो ना, एक दो तीन चार, 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 बराबर है। और एक चीज कॉमन है, क्या? डायगोनल्स डायगोनल्स किधर दिख रहे बेटा? मतलब और क्या कॉमन है? अपोजिट साइड सेम है। सबके इंटरनली कितने एंगल बन पा रहे? चार। आर यू गेटिंग? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। आर यू गेटिंग? एवरीवेयर यस द फिगर्स आर मेकिंग फोर, यस फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स, है ना, बराबर है कि नहीं? चार साइड्स क्या कर रही है? चार एंगल्स बना रही है, या ऐसे कह सकते हैं चार एंगल्स की वजह से चार साइड्स भी है, कैसे भी कह लो। अब देखो इसमें कुछ ऐसी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। ये सारे शेप्स भले ही एक कैटेगरी से या एक पर्टिकुलर फिगर से आते हैं, जिसे हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर फिगर्स, है ना। उसके अंडर हम इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। आर यू गेटिंग? व्हाई क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्री का मीनिंग समझते हो? फोर। यस, क्वाड्रा मींस फोर, है ना, यस ना। क्वाड्रिलेटरल्स, बराबर है। लेटरल्स का मीनिंग, है ना, सिंपल इसमें हम देखेंगे बोलेंगे तो क्वाड्रा मतलब फोर एंड लेटरल्स मींस साइड। सो ऐसे फिगर्स जिसमें कितने साइड्स होते रहे? फोर साइड्स। फोर साइड्स, क्लियर है? बहुत इजी है, यस ना। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब ये जो फिगर्स है, ये दिखने के लिए जितने सिंपल है उतने ही इसके प्रॉपर्टीज कंफ्यूजिंग है, बट एट द सेम टाइम इजी है। आर यू गेटिंग? कंफ्यूजिंग है बट इजी है। अरे दोनों कैसे कैसे? कंफ्यूजिंग भी है, इजी भी है, राइट? क्योंकि ये जो कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है पता है स्टूडेंट को? स्टूडेंट को कंफ्यूजन पार्ट होता है जब वो वर्ड्स में आते हैं। आर यू गेटिंग? एक एक शेप का देखा जाए ना तो बहुत इजी है, बट अलग अलग शेप का वही पॉइंट अगर देखा जाए, जैसे डायगोनल्स है ना, क्या करते हैं, बराबर है। जैसे साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, दो दो वर्ड आते हैं ना तो काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो देखो सभी लोग अच्छे से ध्यान दें यहाँ पे। अब देखो हर एक चीज हम बारीकी से देखते हैं। इफ यू लुक एट द साइड्स, कितने साइड्स है बेटा यहाँ पे? फोर साइड्स। दुशांत कितने साइड्स है? फोर साइड्स। क्या सारे के सारे साइड सेम है? नहीं, ये साइड और ये साइड सेम दिख रहे, मतलब यस टू साइड्स एंड टू साइड्स क्या है? सेम है, मतलब ये टू साइड्स और ये टू साइड्स, मतलब पेयर ऑफ टू साइड्स। आर यू गेटिंग? पेयर ऑफ टू साइड्स क्या है? इक्वल है। सेम को हम क्या कहेंगे? इक्वल। सो यहां पे पेयर ऑफ टू साइड्स क्या है? इक्वल है। आर यू गेटिंग दिस? इसका मीनिंग समझ में आया? पेयर ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। अब यहां पे एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चार एंगल। इसको नाम देते तो इजी हो जाएगा, नाम दे दो इसे। यस, ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी नाम देते तो कौन से दो साइड सेम है बेटा? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो ना, इसे अगर दर्शाना है, हर बार ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, एक छोटी सी टेक्निक अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? यस, इसको और इसको सेम दिखाने के लिए क्या करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है ना, हम शादी में जाते हैं बराबर ना, तो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे मतलब यस कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, हाँ तू भी ब्लैक शर्ट पहन, तू भी ब्लैक शर्ट पहन, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तू भी येलो कलर का, यस जो कोई भी कुर्ता पैजामा है येलो कलर, ऐसा मतलब सेम सेम दिखाने के लिए। तो ये दोनों सेम सेम है, ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। यस, यहाँ पे भी एक छोटी सी डैश बनाता है, यहाँ पे भी एक छोटी सी डैश बनाता है। इससे क्या पता चल रहा है? वो दोनों क्या है? सेम सेम है, मतलब इक्वल है। आर यू गेटिंग? ये दोनों भी सेम सेम है बताने, बट अगर मैं सिर्फ एक लाइन यहाँ पे खींचूंगा
तो क्या इससे पता चलेगा कि ये सेम है? ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्या बता रहा है, दिस इक्वल टू दिस, बट इज इट सो? नो, हमें इन दोनों को सेम दिखाना है, बट क्या ये दोनों सेम है? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो लाइंस का यूज करना है ताकि इससे पता चले कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। आर यू गेटिंग? तो वो ये टीका या ये जो बोलते हैं ना छोटी सी डैश टिक, व्हाटएवर यू विल कॉल, है ना? तो इसका मीनिंग समझ में आपको? यस। वैसे इधर भी देखा जाए तो क्या इसमें भी वैसे ही होता है? कितने साइड से? फोर। क्या सारे के सारे सेम होते हैं? नहीं। पहली चीज, ये पैरेललोग्राम आया कहां से, है ना? तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे पुश वाली ट्रिक। देखो, याद रखने के लिए ऐसा कोई इसका मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका कोई ऐसा मतलब ये है नहीं। देखो क्या होता है, अगर मान के चलो इसी रेक्टेंगल को आप इधर से थोड़ा सा पुश करते हो, आपने बहुत बार बॉक्स लिया है, बॉक्स पता है ना सबको, यस ना? आई डू हैव सच बॉक्स, है ना? शायद से इस बॉक्स से आपको थोड़ी सी मैं आइडिया दे दूं। ये क्या है, कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। अब देखो मान के चलो मैं इसे ऐसे थोड़ा सा यस इधर से पुश करूंगा, तो क्या हो सकता है, ये इधर झुक सकता है। मैं थोड़ा सा बड़ा बॉक्स लेना चाहूंगा, वेट अ मिनट। यस, ये देखो, आर यू एबल टू सी? बराबर है, कौन सा शेप दिख रहा है? रेक्टेंगल। अभी मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे पुश किया तो अभी रेक्टेंगल हुआ क्या? नहीं। क्यों? यस, क्योंकि इसमें 90-90 एंगल्स नहीं है, एंगल्स चेंज हो गए, बट क्या साइड्स चेंज हो गए? नहीं, साइड्स वही है। तो आर यू गेटिंग? रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में क्या फर्क है, समझा? इसमें जो ऊपर वाली, देखो रेक्टेंगल में ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना? ऊपर वाली जो साइड है दैट इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, अभी देखा हमने, बराबर। जब हम इसे क्या करेंगे, इसे यस थोड़ा सा पुश करके इसकी जो ओरिएंटेशन है या मतलब थोड़ा सा शेप इसका चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या साइड चेंज हो रहा है? क्या लेंथ ऑफ साइड चेंज हो रही है? नहीं। हाँ, बट इतना है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस साइड इक्वल टू दिस, बट ये एंगल्स चेंज हो रहे हैं, बराबर है? साइड चेंज हो रहे क्या? नहीं। एंगल सेम है क्या यहाँ पे? 90 है क्या? नो, यू आर नॉट एबल टू फाइंड 90 डिग्री एंगल। क्लियर है? इससे काफी हद तक क्लियर हो गया। तो सेम वे, ये सिर्फ ट्रिक है टू रिमेंबर दिस, अगर हम यहां से थोड़ा सा भी पुश करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें क्या मिलेगा? पैरेललोग्राम, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, try to understand. Okay, तो यहाँ पे भी सेम है, this side is equal to this side and this side is equal to this side. तो ये 1-1-1 और यहाँ पे 2-2 की वजह समझ में आए? इसी को भी नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? A, B, C, D, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं AB is equal to CD? Yes. और क्या होता है? AD is equal to BC. बहुत सिंपल है। यस, यहाँ पे एंगल्स देखो, यहाँ पे एंगल्स क्या सारे एंगल सेम है? एंगल ए कितना है? 90. एंगल बी कितना है? 90. एंगल सी कितना है? 90. एंगल डी कितना है? 90. आर यू गेटिंग? सारे एंगल्स कितने हैं? 90. आर यू गेटिंग? तो क्या हम कह सकते हैं ऑल एंगल्स राइट एंगल? ऑल एंगल्स क्या होते हैं? ऑल एंगल्स आर राइट, है ना? राइट होते हैं, वो रॉन्ग नहीं होते। राइट होते मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, अरे गेट इट, समझे? क्या यहाँ पे सारे एंगल्स 90 होते हैं? नो, नो, कौन से एंगल्स 90 होंगे फिर? कोई भी नहीं, है ना? तो होता क्या है, यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स है ना वो इक्वल होते हैं। देखो, तो ये एंगल इसके साथ इक्वल है। अब ये एंगल अगर मैं फिर से ऐसे निकालूंगा तो क्या इसका मीनिंग ये हो रहा है, क्या ये और ये दोनों सेम है? नहीं। तो मुझे कुछ अलग दिखाना है तो क्या करूंगा मैं? डबल, है ना? ऐसा बहुत बार होता है डबल। कितने लोगों को पहली बार समझ में आया ये, है ना? सिंगल डबल, या पहले से पता था? बहुत अच्छा है, है ना? यहाँ पे डबल, तो ये क्या दर्शा रहा है? दिस टू आर इक्वल। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल है। हाँ, सेम सेम, है ना? वो पार्टी वाला रहता ना, सेम टाइप का शर्ट, है ना, हमने पहना है, तो इसका मतलब सेम। इससे बहुत बार किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसा बोला जाता है, अरे सेम सेम शर्ट, है ना, लगता है साथ में आए हैं, बराबर ना? होता है बहुत बार ऐसा। ओके,
सो इज इट क्लियर, ये वाला समझ में आया पॉइंट? तो ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है. क्या क्या प्रॉपर्टी है? यस, कि यहाँ पे पेयर ऑफ टू साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दिस ये दोनों देखो, पेयर का मीनिंग क्या होता है? ये साइड बराबर है एंड ये साइड क्या है? इक्वल. तो ये पहली पेयर, ये दूसरी पेयर. सो यस, पेयर ऑफ टू साइड है ना, पेयर ऑफ टू साइड. क्लियर है? और इसके बाद दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या है? ऑल एंगल्स आर 90. थर्ड वाला जो है वो साइड के बारे में, क्या दोनों साइड्स एक दूसरे को पैरेलल है? यस yes. यस yes, ये दोनों साइड्स एक दूसरे को पैरेलल है. yes. इन दो साइड्स को क्या कहेंगे? ये अपोजिट साइड्स हो गए. यस yes. तो अपोजिट साइड्स क्या हो गए यहाँ पे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. आर यू गेटिंग? पैरेलल का मीनिंग समझते हो? बराबर ना, ये अगर लाइन है यस yes, और उसको ये लाइन है, और ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करते हैं, या उनके बीच में का जो डिस्टेंस है, उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है तो उसे पैरेलल लाइन कह सकते हैं. कभी मीट हो रहे क्या? नहीं. यस yes, उनके बीच में का डिस्टेंस सेम है. हाँ, ऐसा कोई लाइव एग्जांपल, सॉरी, ऐसा कोई आप जो रियल लाइफ एप्लीकेशन या एग्जांपल दे सकते हो? बोर्ड बोट बोर्ड बोर्ड यस, टू एजेस ऑफ द बोर्ड करेक्ट, कभी मीट नहीं करते. मोबाइल यस, टीवी के एजेस, हाँ, जितने भी रेक्टेंगल्स है उन सब में. यस, वन ऑफ सच एग्जांपल इज ट्रैक रेलवे का, है ना, देखा हो ना आप लोगों ने, ऐसा ऐसे रहता है ना. तो उनके बीच उसके बीच में का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? सेम रहता है एंड वो कभी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करते. ओके, कौन? फर्स्ट रेल एंड सेकेंड रेल, अरे सॉरी, फर्स्ट जो ट्रैक है ना, उसका जो पहला वाला, अरे 1 10 दिस, वो कभी एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते, मीट नहीं करते. आर यू गेटिंग? यस ना. अब और एक प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना. तो ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये दोनों भी अपोजिट साइड्स का है, इक्वल है एंड साथ ही साथ क्या है? पैरेलल है. तो यही प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल एंड पैरेलल, पेयर ऑफ टू साइड्स इक्वल. बट कौन से टू साइड्स यहाँ पे मेंशन किया है क्या? तो यहाँ पे पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स, आर यू गेटिंग? पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इज इट क्लियर? आए समझ में यहां तक? ओके, अब यहां पे देखो, एंगल्स तक क्लियर हुआ क्या? सेम, यहां पे भी सेम कंडीशन है. इज दिस साइड ए बी सी डी, ये दोनों इक्वल है क्या? हाँ. yes. ये दोनों इक्वल है. yes. हाँ, तो ये सही है? no. नहीं है. क्यों? ये क्या बता रहा है? दिस साइड इज इक्वल टू दिस बट नॉट विद दिस. अरे गेटिंग? तो यहां पे हम डबल लाइन नहीं खींचेंगे, यहां पे हम सिंगल लाइन खींचेंगे. क्यों? क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं. यस, ऑल फोर साइड्स इक्वल, है ना. अपोजिट तो इक्वल होती है, बट यस yes, साथ वाले, बाजू वाले, यस yes, उसे क्या कहा जाता है, बाजू वाले साइड को? कौन से? ये तो, इसको तो अपोजिट साइड कहेंगे. ए बी एंड डी सी अपोजिट साइड्स है, बट ए बी एंड ए डी कौन सी साइड्स है? एडजेसेंट, शेजारी शेजारी, है ना. कहाँ पे रहते हैं? मेरे एडजेसेंट ही रहते हैं, है ना, मेरे बाजू में रहते हैं, नेबर. ओके, तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होते हैं, मतलब सारे साइड्स इक्वल होते हैं. आर यू गेटिंग? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बराबर है. सारे एंगल्स के बारे में क्या है राय आपकी? सेम सेम, मतलब 90. आपने एक चीज नोटिस की, जब भी कभी मैंने एंगल यस का सिंबल ड्रॉ करने की कोशिश की है, एंगल को शो करने की कोशिश की है, बराबर है, मैंने दो तरह के सिंबल यूज किए. ये देखो, ये पहला वाला और यहाँ पे रेक्टेंगल कॉर्नर वाला. आर यू नॉट गेटिंग दिस? दोनों में डिफरेंस है कुछ तो भी. क्या है ये जो है? दिस यस, दिस इज शोन फॉर एनी रैंडम एंगल, एंड ये वाला जो है स्पेसिफिक 90 डिग्री के लिए यूज किया जाता है. आर यू गेटिंग? इतना बेसिक मुझे लगता है आपको पता ही होगा. तो यहाँ पे क्या है? ऑल फोर साइड्स, सॉरी, ऑल फोर साइड्स, सॉरी, एंगल्स, ऑल फोर एंगल्स
आर 90 डिग्री, अरे गेटिंग मतलब राइट है, बराबर है। इसी के साथ साथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं, सेम जो उधर प्रॉपर्टी है वो इधर भी है, अरे गेटिंग नॉट गेटिंग। क्या रोमबस के साथ भी ऐसे होता है? यस, एग्जैक्ट स्टोरी है। जैसे रेक्टेंगल को पुश करने के बाद कौन आया था? पैरेललोग्राम। ये मेरी कहानी है, मतलब ऐसे कुछ है नहीं किसी किताब में। आप बोलोगे कि सर हमें तो मिला नहीं किसी किताब में। एक्चुअली देखा जाए तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये तीनों पैरेललोग्राम होते हैं। आर यू गेटिंग? दीज आर द मेंबर ऑफ पैरेललोग्राम फैमिली। नहीं समझे? समझे? ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये अंडर द पैरेललोग्राम आते हैं, है ना? तो ये सिर्फ याद रखने के लिए या समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सेम केस अभी जो मैंने बॉक्स लिया था, यस, फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर बॉक्स है, फॉर एग्जांपल, है ना? एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ ये स्क्वायर बॉक्स है, जो कि है नहीं, है ना? मान के चलो इसमें ये चारों साइड्स क्या है, इक्वल, फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पुश करके ना टिल्ट कर दिया या थोड़ा सा ऐसे उसका डिफॉर्म कर दिया, बराबर है। अगर ये साइड इसके साथ इक्वल है और ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये साइड इसके साथ इक्वल है, मतलब चारों साइड क्या हो गए, इक्वल। ये कैसे दिख रहा है अगर चारों साइड इक्वल है? तो यहाँ पे रोम्बस के साथ, है ना, रोम्बस के जैसा दिख रहा है। अरे गेटिंग? तो इसका मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, इज इट क्लियर? मतलब चारों साइड से इक्वल है। अरे गेटिंग? सो कहीं तो भी स्क्वायर एंड रोम्बस के प्रॉपर्टीज मिलते जुलते हैं। क्या हुआ, एंगल के साथ ऐसे ही है, है ना? साइड भले इक्वल है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बराबर है। क्या एंगल इक्वल है? नहीं। तो कौन सा एंगल देखते ही पता चल रहा है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। अब क्या मैं इसको भी सिंगल ऐसे सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करूं? नो, रॉन्ग हो जाएगा, तो डबल लेते हैं, है ना? आर यू गेटिंग? अब इससे पता चल रहा है कि ए बी सी डी में से, यस, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब इनको कौन से एंगल्स कह सकते हैं? जैसे साइड्स को हम ए बी एंड डी सी को अपोजिट साइड्स कहेंगे, तो क्या इसको हम अपोजिट एंगल्स कह सकते हैं? यस। तो ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। क्या ये भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? हाँ। तो हम बोलेंगे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आर यू गेटिंग? पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इसके जैसा, मतलब जितना, और ये इसके जितना। आर यू गेटिंग? सो क्लियर है? क्या रहे हो? ओके, नेक्स्ट शेप दिख रहा है आपको, कौन है? काइट। यस, सबका मन पसंदीदा, है ना? अब देखो इस शेप को अगर आप देखते हो ना थोड़ा सा बारीकी से, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बराबर है, एंड दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड, है ना? ये साइड इसके साथ इक्वल होती है। तो मैंने वो जो सिंबल है वो सही से ड्रॉ किया है, इज इट राइट? है ना, दिस साइड इक्वल टू दिस। तो इसको नाम दे देते हैं, इजी हो जाएगा, ए बी सी डी। तो कौन से दो साइड इक्वल होते हैं बेटा? ए बी एंड बी सी, है ना? क्या है अपोजिट साइड से ए बी एंड बी सी? नहीं, हाँ है ना, अपोजिट है। ए बी का अपोजिट तो ये साइड होती है ना, उसके सामने वाली एडजेसेंट साइड्स। तो यहां पे क्या आएगा? यस, अपोज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यस, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। बट ये देखो ना, ए बी के एडजेसेंट ए डी भी तो है, क्या वो इक्वल है? ए बी एंड ए डी इक्वल है क्या? नहीं, है ना, है ना? हर एक की एडजेसेंट साइड इक्वल है क्या? नहीं। ए बी की जो बी सी एडजेसेंट है वो इक्वल है ए बी के साथ, बट ए बी के साथ ए डी इक्वल नहीं है। तो हम एडजेसेंट साइड्स इक्वल बोलेंगे क्या? नहीं, हम बोलेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बराबर है। मतलब दीज टू एंड दीज टू, है ना? तो यहाँ पे स्पेसिफिक है, क्या ये पैरेलल है? जैसे यहाँ पे और एक चीज रह गई थी, देखो यहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। क्या यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल दिख रहे हैं आपको? ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है। आर यू गेटिंग? तो हम पैरेलल का सिंबल कैसे दिखाते हैं? जैसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर है?
करेक्ट है ना, AD इज पैरेलल टू BC, AB इज पैरेलल टू DC, गेट इट? क्या यहाँ पे भी ऐसा ही है? AB इज पैरेलल टू व्हाट? DC एंड AD इज पैरेलल टू, AD इज पैरेलल टू BC, क्या यहाँ पे भी वैसे ही है? AB इज पैरेलल टू DC है क्या? एंड AD इज पैरेलल टू BC है? क्या यहाँ पे भी वैसे ही है? AB is parallel to DC? Yes. Okay. And AD is parallel to BC? Are you getting? तो यहाँ पे हम जैसे sides के लिए बोल सकते हैं, pair of sides are equal and opposite. Sorry, equal and parallel. है ना? Pair of opposite sides are equal and parallel. Equal and parallel. Equal and parallel. यहाँ पे भी pair क्या? यहाँ पे all sides है. Equal and yes, pair of opposite sides are parallel. Okay, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं वैसा? Opposite sides के बारे में कुछ है ही नहीं. क्या adjacent sides parallel है? No, यहाँ पे कोई भी side किसी को भी parallel नहीं है. All sides are और not a single side is parallel with any other side. Okay, वहाँ पे है क्या कोई pair of side is parallel? Yes. है? Are you sure? कौन सा shape है वो? Trapezium. ट्रेपेजियम में दिख रहा है आर ऑल फोर साइड सेम? क्या चारों साइड सेम है? No. नहीं है. यस, एनी टू साइड्स आर सेम? इक्वल इक्वल है क्या? कौन से? ये वाले है ना. यहाँ पे दो केसेस होते हैं. कैसे मैं बता दो. यहाँ पे हो सकता है ये दोनों साइड्स क्या हो? सेम हो. या हो सकता है दोनों साइड्स सेम नहीं हो. आर यू गेटिंग? जब दोनों साइड्स, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो इसे कहते हैं यस आइसोसेलस ट्रेपेजियम. क्या कहते हैं इसे? आइसोसेलस ट्रेपेजियम. एंड यहाँ पे नहीं है तो दिस इज नॉर्मल ट्रेपेजियम, है ना? आर यू गेटिंग? सो क्लियर है? तो दोनों केसेस बनते हैं. तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे दोनों साइड्स क्या है? अनइक्वल है, है ना? नॉट अ आइसोसेलस ट्रेपेजियम. तो चारों साइड्स क्या है? अलग अलग है. यस क्या चारों साइड्स के एंगल सेम है? चारों साइड है ना, चारों साइड से जो बने हुए एंगल्स है क्या वो सेम है? नहीं है. ओके, क्या कोई साइड पैरेलल है एक दूसरे को? अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, क्या चारों साइड से एक दूसरे को पैरेलल है? वो तो हो ही नहीं सकते, है ना? अपोजिट साइड्स कोई कौन से? यस, ए बी इज पैरेलल टू डी सी. क्या ए डी पैरेलल है डी सी को? यस, AD is not parallel to yes BC. Are you getting? Yes. Angle ABCD are same? No. Yes. Any two angles are same? Yes. कौन से? Angle. Yes. Opposite angles? मतलब D is equal to B? No. नहीं है. Adjacent angles. Adjacent angle यानी कि A equal to B, but वो कौन से इसमें होगा? Isosceles में होगा. इधर होगा क्या? इस वाले इसमें? नहीं. Are you getting? तो ये कंडीशनल है, बराबर है? ये कंडीशनल है. आइसोसेलस है तो हो रहा है साइड, यू नो वन पेयर ऑफ साइड इज, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज क्या है? इक्वल है, है ना? वन इज पैरेलल. एंगल्स भी डिपेंड करता है. एंगल्स क्या करता है? डिपेंड करता है. तो काफी हद तक थोड़ा बहुत समझ में आया? यस और नो? अब हम थोड़ा सा डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? डायगोनल्स. सबको पता है? Yes, everyone. Pay attention now. इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दो दुशान. यहाँ पे दूसरी एंट्री होती है डायगोनल्स की. डायगोनल्स मतलब क्या होता है? ये जो ऑपोजिट क्या होते हैं? वर्टाइसेस होते हैं. इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, बराबर है? ये एक डायगोनल है. कौन सी नाम क्या इसका? AC. वैसे इधर क्या नाम है इसका? DB. इधर भी डायगोनल हो सकती है? यस. इधर भी डायगोनल हो सकती है? यस. इधर भी हो सकती है? यस. इधर भी हो सकती है? इधर भी हो सकती है? यस. इधर भी हो सकती है? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? यस. तो डायगोनल्स किसी को ऐसा नया कुछ नहीं लग रहा है. यहाँ पे भी हो सकती है? यस. यहाँ पे भी हो सकती है? यहाँ पे भी हो सकती है? यस ना. और इधर भी हो सकती है. अब देखो ये जो डायगोनल्स है, क्या ये डायगोनल सेम है, इक्वल है? आर यू गेटिंग? AC इज इक्वल टू BD, बराबर है कि नहीं? डायगोनल्स आर सेम, इक्वल. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको?
AC is equal to DB. Yes, क्या यहाँ पे भी equal है? Are you getting? Do you think ये equal होंगे? नहीं. यहाँ पे diagonals are not equal. यहाँ पे diagonals equal हो सकता है? Yes. यहाँ पे? मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा है और यहाँ पे किस का होंगे फिर? वहाँ पे हो रहे हैं. Yes. Here diagonals are not same. Here diagonals are same. यहाँ पे डायगोनल सेम होंगे? नो चांस. बट स्क्वायर के तो सारे साइड सेम रहते हैं. साइड सेम होते हैं बट जब हम उसको क्या करते हैं ना, इसे थोड़ा सा ये कर देते हैं तो वो इलॉन्गेट होता है. दिस साइड देखो ना, ये जो है एक दूसरे से दूर जा रहे और ये नजदीक आ रहे. क्लियर है? नहीं समझे? है ना. तो डायगोनल से यहाँ पे क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं. यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है इक्वल होने का. यहाँ पे हो सकते हैं कब? आइसोसेलेस में, है ना, वो सेकंड कंडीशन में. आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? समझे नहीं समझे? क्लियर है? ओके. इसके साथ साथ अब सिर्फ डायगोनल्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. क्या ये जो डायगोनल्स है क्या एक दूसरे को बाइसेक करते हैं? कट कर रहे हैं एक दूसरे को? हाँ देखो, ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको क्रॉस कर रहा है. ये यहाँ पे हर जगह डायगोनल्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे को? यस, क्रॉस कर रहे है ना. तो क्रॉस करने के बाद यानी कि इंटरसेक्ट करने के बाद, यस, क्या इक्वल पार्ट्स में ये करता है? अगर मान के चलो यहाँ पे एक डायगोनल है, आर यू एबल टू सी ये वाला, है ना. अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो क्या ये डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? क्या दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस? डू यू थिंक? यस. तो इसे कहते हैं बाइसेक्ट ईच अदर. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यहाँ पे भी है देखो ना, भले ही लॉन्गर है बट ये इसके साथ इक्वल होगा. क्या ये इसके साथ इक्वल होगा? क्या नहीं. Yes, these will be the different. क्योंकि ये छोटा है ना बेटा. This diagonal is small. Yes, smaller than this one. Are you getting? So this will not be equal to this. Are you getting? है ना? यहाँ पे भी बताओ. अब same symbol यहाँ पे use नहीं कर सकते हम. ये भी गलत है. Actually, है ना? यहाँ पे हमें तीन line draw करने पड़ेंगे और यहाँ पे चार. क्यों? क्योंकि अगर हम एक इधर draw करेंगे, इधर एक draw करेंगे, इसका मतलब ये दोनों same है. Are you getting? ये इस चीज का भी ध्यान रखना है. यहां पे भी देखो, दिस विल बी इक्वल टू दिस. यहां पे क्या होंगे? सारे सेम होंगे या नहीं होंगे? यस, विल बाइसेक्ट ईच अदर. यहां पे यस, दे विल बाइसेक्ट ईच अदर बट दे विल नॉट बी इक्वल, है ना. चारों जो पार्ट्स है वो एक दूसरे के, यस, इसका इसके साथ इक्वल होगा बट इसका इसके साथ नहीं होगा. आर यू गेटिंग? यस. यहां पे यस, दे आर इक्वल, गेटिंग? बट ये वाला होगा क्या? बाइसेक्ट करेगा? नो, है ना. ओनली वन डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है वो इसी को बाइसेक्ट करेगा. यस, ये वाला इसको बाइसेक्ट नहीं करेगा. मतलब बीडी विल बाइसेक्ट एसी बट एसी विल नॉट बाइसेक्ट बीडी. क्लियर है? एंड वहां पे भी सेम, बाइसेक्ट करेगा ही नहीं, बराबर ना. बट एसी विल क्या, एसी क्या कर रहा है? बीडी को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है. यहाँ पे बाइसेक्ट आएगा क्या? बाइसेक्ट का मीनिंग कुछ अलग होता है. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कि दो इक्वल टुकड़ों में उसे कट कर रहा है, क्या दो इक्वल पार्ट्स बना रहा है. अरे गेट. इसके साथ साथ डायगोनल और एक चीज करता है, क्या? एंगल बनाता है. यस, यहाँ पे जो एंगल है, यस, इज इट 90? आपको 90 दिख रहा है रेक्टेंगल्स में? नहीं, ये ऑब्ट्यूस होता है. आर यू गेटिंग? यहाँ पे 90? नो, है ना. बट ये इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. यहाँ पे 90 होता है? यस, यहाँ पे याद रखना है आपको. यस, हियर ऑल दीज एंगल्स आर 90. यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक करके क्या करते हैं? राइट एंगल फॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? राइट एंगल फॉर्म करते हैं. यहाँ पे भी डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक करके राइट एंगल फॉर्म करते हैं. और यहाँ पे यस, यहाँ पे भी राइट एंगल फॉर्म करते हैं. इज इट क्लियर? वहां पे नहीं करते हैं. सो थोड़ा बहुत आपको इन सारे शेप्स के बारे में बेसिक्स चीजें पता चली है. यस, अब इसे क्या होता है ना, वर्ड में लिखा रहेगा, आपको उसे याद रखना है. इज इट क्लियर? यस ना, समझा अच्छे से? एनी डाउट? एनी किसी को कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल भी अच्छे समझा?